जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच ये एनकाउंटर बांदीपोरा के संबलर इलाके में शनिवार को हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार अभी तक आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। कश्मीर में आए दिन सर्च ऑपरेशन भी जारी है और आतंकवादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। पाक समर्थित आतंक कश्मीर की आबोहवा में अभी जहर घोलता ही जा रहा है। कश्मीर पुलिस के अनुसार बांदीपोरा के संबलर इलाके के शोक बाबा जंगल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर यहां सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए दो आतंकियों को मार गिराया। पुलिस ने कहा कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही कई एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें सेना ने आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को असफल करते हुए उन्हें मार गिराया। इस ताज़ा मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के बारे में अब तक ये जानकारी नहीं मिली है कि वे किस आतंकी संगठन से जुड़े थे। यहाँ ये कहना गलत न होगा कि धारा 370 हटने और केंद्र शासित राज्य बन जाने के बाद एक बार फिर से आतंकवाद की छाया में कश्मीर में दहशत फैलाने की क्रूर साजिश चल रही है। ऐसे में गृह मंत्रालय, रक्षा विभाग और कश्मीर पुलिस को सख्त रुख अपनाते हुए इसे जड़ से समाप्त करने की ओर गंभीर होने की आवश्यकता भी है। सीज फायर होने और समझौता होने के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी ऐसी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रही है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे, जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे।
लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।